नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर है जिला भिंड शहर से। कांग्रेस पार्टी के द्वारा युवा कांग्रेस सेवा दल की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम मनाया गया। जानकारी अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देश अनुसार संपूर्ण भारत में कांग्रेस पार्टी के द्वारा युवा कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस भूता कंपाउंड में मनाया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर तिरंगा फहराया गया। कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए तिरंगा यात्रा निकालकर महात्मा गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किला रोड हनुमान बजरिया से निकलकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काफी तादाद में भगत सिंह प्रतिमा पर जाकर कार्यक्रम समाप्त किया। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति के नाम से ये दिवस मनाया जाता है और 1942 में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा बनाई और आंदोलन किया और इसी वजह से हमारे कांग्रेस के युवाओं ने प्रातः झंडा रैली निकाली। शाम को 4 बजे से हमारे सभी कांग्रेसजनों ने महात्मा गांधी जी के स्टैचू पर माल्यार्पण किया और वहाँ से हम लोग रैली लेकर आए। यहाँ शहीद भगत सिंह जी के स्थान पर हम लोगों ने उनके स्टैचू पर माल्यार्पण किया और निश्चित रूप से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सर्वहारा वर्ग के लिए कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हमेशा हमेशा एक ही काम करती है, एक दूसरे में लड़ाना। पहले हिंदू मुसलमान में लड़ाते थे, अब हिंदू हिंदू में लड़ा रहे हैं, कहीं अर्जेंट में, कहीं किसी में, पिछड़े वर्ग में, पूर्व सिवाय लड़ाई के और कोई काम नहीं। इन्होंने देश में कोई भी एक संरचनात्मक काम नहीं किया है, न तो आज तक एक भी मेडिकल कॉलेज बनाया, न आज तक अस्पताल बनाया है, कोई भी काम ऐसा नहीं किया है। और कोविड के जहाँ तक सवाल है, कोविड-19 में सारी जिम्मेदारी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है कि इन्होंने ऐसी अव्यवस्था फैलाई। शुरुआत में ही इन्होंने जो है, जब 9 जनवरी को पहला केस आया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को उसी दिन से सतर्क रह के और पूरे देश में जो है ऐसी क्रियाकलाप करना चाहिए था जिससे कोविड फैल नहीं पाए। आज की तारीख में ये स्थिति है कि 21,53,000 केस हो चुके हैं और कम से कम जो है 45,000 लोगों की मौत हो चुकी है और कह रहा है कि देश फिर भी अभी बहुत से लोगों से पीछे। तो निश्चित रूप से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारी अव्यवस्था फैलाने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। उनका केवल क्या है कि कहीं की सरकार चुनी हुई सरकार को गिराना, पैसे से खरीद लो विधायकों को, उनको रेस्टोरेंट में ले जाओ, वहाँ रखो और निर्वाचित निश्चित रूप से सरकारों को गिरा के इस तरह से देश में अव्यवस्था फैला रहे हैं, अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। इसीलिए देश में कोई भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही। इन्हें सत्ता में रहने का नैतिक कोई भी आधार नहीं है, कायदे से इनको सत्ता से त्याग पत्र देना चाहिए। उपचुनाव होने वाला है, उपचुनाव में क्या मानते हैं, 27 विधानसभाएं? हमारा ऐसा मानना है कि 27 विधानसभा में हम 25 विधानसभाएं निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं और पुनः कांग्रेस की सत्ता स्थापित होगी, आदरणीय कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद राम कमलनाथ, जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद।